तो मैं अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोहा कतर का जो कतर गवर्नमेंट है वो फाइनली बैन कर दिया है अल्कोहल सेल करना इनसाइड स्टेडियम। अब अगर आप इन स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे तो आप लोग को वहां पे अल्कोहल नहीं मिलेगा। ये फीफा की तरफ से कल अनाउंस किया गया और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये सराहनीय स्टेप है ये कतर गवर्नमेंट का, जो उनका लॉ है उन लोगों ने नहीं बदला। और ये जो फीफा का प्रेसिडेंट है गियानो इन्फानिटो, उन्होंने फीफा ने बहुत कोशिश किया था, कतर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि फीफा का जो इनसाइड जो मैच होगा इनसाइड स्टेडियम, जब मैच ड्यूरिंग मैच अल्कोहल को बेचने दिया जाए। लेकिन कतर गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया फीफा को कि नहीं नहीं बेचा जा सकता है। वो लोग रिक्वेस्ट किया और फाइनली फीफा ने अनाउंस किया कि अल्कोहल नहीं मिलेगा इनसाइड स्टेडियम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए। पूरा मतलब पूरे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं वो लोग बहुत हंगामा कर रहा है कि क्यों नहीं बेचा जाएगा, क्यों नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये है वो है, बवाल है, दुनिया भर के बातें कर रहे हैं। तो मैं ये आप लोग को एक बता दूं, ये ट्रूथ फैक्ट है कि ये कतर पहला कंट्री नहीं है कि जो स्टेडियम में अल्कोहल नहीं बेचेगा। ऐसा बहुत सा दो तीन देश है जहाँ पे नहीं बेचा जाता है, लाइक फ्रांस और चाहे पुर्तगाल हो गया, एक दो और देश है वहाँ पे स्टेडियम में अल्कोहल बैन है, नहीं बेचा जाता है। तो ये कतर गवर्नमेंट के तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। और ये गियानो इन्फेंटिनो जो फीफा का प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद बोला कि अगर आप 2 घंटे बियर चाहे अल्कोहल नहीं पियेंगे, बियर नहीं पियेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बता दूँ, कतर में, दोहा कतर में अभी बहुत सारा फैन जोन बनाया गया है, जहाँ पे 7-8 फैन जोन है जहाँ पे आप जाके वहाँ पे बियर बिवरेज जितना भी होगा ड्रिंकिंग ये आप वहाँ पे ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको बियर ही पीना है, मैच नहीं देखना है, तो आप जाइए वहाँ पे फैन जोन में बियर किन के पी सकते हैं। तो ये कतर गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छा स्टेप है एक। और जो कतर गवर्नमेंट ने ये लोग हार्डवर्क किया है सिंस 10 ईयर्स 11 ईयर्स, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है, जितना मेहनत किया है फीफा वर्ल्ड कप के कराने के लिए और डेवलपमेंट जितना हुआ है, मैं यहाँ पे 11 साल से रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना ये लोग 10 साल में जितना डेवलपमेंट किया है दोहा कतर में, कोई भी देश नहीं किया होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो ये मेरा छोटा मैसेज था इंटरनेशनल मीडिया लोग के लिए, भाई अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर आप बियर नहीं पीते हैं स्टेडियम में तो आप मर नहीं जाएंगे। और ये फीफा का प्रेसिडेंट बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज, ज़्यादा वीडियो देखना हो तो यूट्यूब पर जाके देखिए, ठीक है, और टिकटॉक को फॉलो कर लीजिए। और आज ओपनिंग है, 20 नवंबर है, फाइनली डे गेम आ गया है, आज से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। और फर्स्ट मैच है कतार वीएस इक्वाडोर, जो अलखोर में होगा, अलबैत स्टेडियम में होगा, और मैं आज ए वॉलंटियर मैं वहाँ पर रहूँगा। तो आप लोग को अपडेट चाहिए तो आप फॉलो कर लीजिए मेरे टिकटॉक को और यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जो भी अपडेट मिले मैं आप लोग को दूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।